आज व्लॉग स्टार्ट करें सुबह से और नाश्ते से। मैंने सोचा कि आज जो है व्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि फिर ये होता है ना कि लेट हो जाता है और फिर पूरा पूरा व्लॉग्स 2 दिन के आ रहे होते हैं। सो आज मैंने सोचा कि पूरे जो है दिन का व्लॉग जो है रिकॉर्ड करती हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जी, यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, ब्रेड अंडा एज़ यूजल हमारा यही होता है, क्योंकि हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं डेली ये पराठे शराठे नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। सो ब्रेड अंडा इज़ परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सजी, आज का व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट कर लिया था और नाश्ता जो है कर लिया है, नाश्ते की वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। सो घर में यही होता है कि यही चीज़ें आप लोगों के साथ जो है डेली में शेयर करती हूँ। सो इसके अलावा जो है आज जो है मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, बहुत ही डिफरेंट तरीके से यमी सी जो है चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और आप लोगों के साथ जो है फुल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि जो है मैं ऐसे ही मतलब वीडियोस होती है ना वो बना लेती हूँ और मतलब फुल जो रेसिपी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन आज जो है आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री देखते हैं और मुझे मैसेज आए हुए थे कि मतलब आप पूरी रेसिपी बताया करें, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री लाइक बांग्लादेश से हो गए, सो पाकिस्तानी फूड बड़ा अच्छा लगता है, सो इसलिए जो है पूरी रेसिपी बताया करेंगे। तो ट्राई किया करें, आज ही मुझे मैसेज आया हुआ था तो मैंने सोचा कि जो है आज पूरी रेसिपी का जो है रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्टेप बताऊँगी। क्योंकि ये होता है ना कि जिन जिन लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो उनको तो नहीं मतलब होता, वो फिर रेसिपीज़ देख के जो है फॉलो करते हैं और उनको अच्छा लगता है, और पाकिस्तान के जो है रेसिपीज़ अगर लोगों को अच्छी लगती हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। सो अभी जाते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। और ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मतलब वो शोरबे वाला सालन एंड दूसरी चिकन कढ़ाई वो खा खा के मतलब बंदा वो हो जाता है, थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट और वो करना चाहिए ना, चेंज करना चाहिए, जिससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। सो आज मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। सो देखते हैं क्या होता है और कैसी बनती है। मैं एंड पे जो है आप लोगों के साथ जो है अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी और कैसी बनी है, कि मतलब ट्राई करनी है कि नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा जो है आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जो है आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने चिकन लिया है और यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ रेड चिली पाउडर। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे रेसिपी, सो आज मैं आपको कंप्लीट रेसिपी देने लगी हूँ प्रॉपर कितना वो ऐड करना है। सो ये मैंने एक फुल स्पून जो होता है ना, 1 टेबल स्पून वो डाला है। सो ये रेड चिली पाउडर है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक अपने मतलब उसके मुताबिक जितना आप क्वान्टिटी होती है उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। सो यहाँ पर जी खुश्क धनिया पाउडर जो होता है वो मैंने ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। सो इसके बाद जो है ये मैं चिकन मैरिनेट करके रखूँगी। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हसबे ज़रूरत, जितना मतलब आप लोग खाते हैं सो उसके लिहाज से। सो यहाँ पे लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने जो है 1 टीस्पून डाला है। और उसके बाद जो है मैंने अदरक पाउडर जो है वो थोड़ा सा इसका हाफ मैंने डाला है, क्योंकि मैंने लहसुन ज़्यादा डाला, मुझे मतलब ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग स्मेल अच्छी नहीं लगती, सो इसलिए जो है मैं इतना ज़्यादा ये नहीं डाला, ये मैंने थोड़ा सा ही डाला है। सो ये मैंने डाल के जो है उसके बाद जो है थोड़ा सा मसाला ऐड किया, मिक्स मसाला जो होता है वो ऐड करके जो है ये मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ और मैं रख दूंगी इसको घंटे के लिए मैरिनेट करके। और इसके अलावा आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, विनीगर, लेमन जूस ना हो तो आप विनीगर ऐड कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसकी मैरिनेशन है ये अंदर तक जज्ब हो जाए। आप लोग मतलब थोड़ा छोटे छोटे कट लगा के वो भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। सो आज जो है मैं आपको कंप्लीट रेसिपी देने लगी हूँ और ये मैंने थोड़ा सोचा कि मैंने चेंज जो है बनानी है, क्योंकि ये होता है ना डेली इस तरह वो फ्राई करके तो वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये मतलब टेस्ट अंदर तक जाएगा। सो यहाँ पे जी मैरिनेशन हो गई है डन। और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है चिली वो डाला है, चिली फ्लिक्स जो होते हैं ना वो डालें। सो यहाँ पे जी प्याज मैंने लिया है चॉप किया हुआ एक, और उसको जो है मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और मैंने हल्का लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है। और उसके बाद जो है ये मैरिनेटेड चिकन जो है ये इसमें ऐड कर देना, और ये ऊपर जो ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ये मेरे से मिस हो गया था, सो ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जी मैंने जो है टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है, और ये मैंने लिए थे कोई 4 टमाटर और उसको मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था और उसकी प्यूरी बना ली थी, ताकि जो है ये अच्छे से इसका मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे
क्योंकि चिकन जल्दी पक जाएगा। उसके बाद जो है दही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि जो ग्रेवी जो होती है ना वो ज़्यादा बने। सो यहाँ पे जो है मैंने दही ऐड की है, और आप अपने जो है मतलब क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो चिकन था उस हिसाब से ये इतनी मैंने जो है 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही ऐड की है। और उसके बाद जो है मैंने टमाटर की प्यूरी में मिक्स किया है। सो यहाँ पे जी हमने चिकन अपना थोड़ा सा भूनना है कि अच्छे से जो है ये भुन जाए, और मतलब जब पक जाएगा तो थोड़ा सा मतलब फुल पकाना नहीं है, मतलब ये होगा कि अभी हमने टमाटर भी डालने हैं और टमाटर और दही की जो है मिक्सचर वो हमने ऐड करना है। सो हमारा जो भुन गया था, और अब इसमें हम जी ऐड करेंगे इसको, और ये देखें इस तरह से भून के अच्छे से, ताकि जो है वो उसका कच्चापन जो है ना चिकन का वो ख़त्म हो जाए। सो फिर उसके बाद जो है हम लोग ऐड करेंगे अपनी जो टमाटर की प्यूरी है, और उसके साथ साथ जी मैं यहाँ पे चटनी बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चटनी, और उनके वो हर खाने के साथ होता है कि मतलब चटनी दही होना चाहिए। सो इसलिए जो है साथ साथ वो मैंने बना लिया था। और यहाँ पे जी मैंने अपनी जो है प्यूरी टमाटर, अपनी नहीं मतलब टमाटर की प्यूरी दही की, वो मैंने ऐड कर दी है, और आप इसकी लुक ही देख सकते हैं, मतलब एकदम से ना एक लुक ही चेंज हो गई है। सो मतलब ये होता है कि चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा मतलब आप उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब डेली वही बना बना के तो आज थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सो ये अच्छा भी लगता है, मतलब चेंज खाने में अच्छा भी लगता है। सो तरीका आपका डिफरेंट हो तो मतलब आप किसी भी तरीके से कुछ भी बना सकते हो, हर बंदे का अपना तरीका होता है, लेकिन वो बंदा कहता है ना कि डिफरेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे जी ये देखें चटनी जो है रेडी हो चुकी है, ये मैं जो है इसको मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ, और जितना क्वांटिटी में चाहिए होती है चटनी बनानी होती है दही में डाल के, तो चटनी हमारी जो बन जाती है। सो यहाँ पे जी हमारा जो है कढ़ाई जो है यमी सी वो रेडी होने वाली है। और इसके अलावा जो इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हो, आप पे है, लेकिन मैंने क्रीम नहीं ऐड की थी, मैंने इसी तरह से रेसिपी रखी थी, और ये बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। और साथ मतलब कोयला तो मस्ट है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना स्मोक का जो एक होता है ना टेस्ट, कोयले का आप धुआं देंगे ना तो बस गेम चेंजर थिंग है, मतलब कोयला इज़ अ गेम चेंजर। मतलब ये बिरयानी में हो गया, कढ़ाई में हो गया, बहुत यमी लगता है। सो हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है, बहुत यमी सी। अब मैं रोटियां बनाऊंगी। The next day. वाओ हसन, आप तो बहुत अच्छे हो। यहाँ पे जी हसन मेरे साथ आ गया था, मैं मटर छील रही थी, माशाल्लाह मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, उसको मतलब शौक़ है लेकिन चीज़ें ज़्यादा वो करता है, पानी वगैरह में ज़्यादा जाता है। सो मैंने सोचा कि उसको अपने साथ लगाऊं, और इस तरह मतलब करेंगे वो विन कर जाएगा, जल्दी छीलेगा तो विन कर जाएगा। सो इससे बच्चों को ये होता है ना कि थोड़ा सा उनका माइंड बिजी रहता है और काम मतलब कर रहा है। ये देखें इस तरह माशाल्लाह उसने जो है उसको मैंने प्लेट दे दी थी और साथ जो है वो दे दिए थे, और ख़ुद भी छील रही थी, वो भी छील रहा था। सो इस तरह ये अच्छा होता है, बच्चों को सिखाना चाहिए, मतलब ख़ासतौर पर लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि मतलब खुद अगर कुछ करना पड़ जाए तो करना चाहिए। सो यहाँ पे जी पानी लेने आ गए थे। सो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।